हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेस ओपर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। लेटर यानी कि अक्षर, या जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। अ सिंबल यूजुअली रिटन और प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच साउंड एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए यूनिट ऑफ अल्फाबेट। मतलब कि अक्षर वो होता है जो वर्णमाला की एक यूनिट यानी कि इकाई का गठन करता है या उसको तैयार करता है और उससे निकली हुई ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम ये देखते हैं कि लेटर और अल्फाबेट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लेटर क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, मीन्स ए बी सी डी अप टू जेड। अब इन्हीं के कलेक्शन को, मीन्स ए टू जेड को हम बोलते हैं अल्फाबेट। सो अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ध्यान से सुनिएगा, अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मीन्स 26 लेटर्स मिलाकर अल्फाबेट बनता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं और अक्षरमाला भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ड, शब्द, ए ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। मतलब कि अक्षरों का एक समूह जो एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है या बताता है उसे हम शब्द कहते हैं। सेंटेंस, वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कम्प्लीट मीनिंग। मतलब कि शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है या बताता है या देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट फ्लैशेस आउट ए सिंगल आइडिया। मतलब कि वाक्यों का एक समूह जो एक ही विचार को शुरुआत से अंत तक बताता है या उसे व्यक्त करता है उसे हम अनुच्छेद या पैराग्राफ कहते हैं। सो ये थी हमारी चार डेफिनेशंस। अब हम आगे इसका एक सिक्वेंशियल फॉर्म देखते हैं। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट में लेटर्स हैं, नीचे की साइड में लेटर्स दिए हुए हैं जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। यहाँ पे 26 लेटर्स हैं, तो एक और एक से ज़्यादा लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं जिन्हें हम शब्द कहते हैं, और इसी तरह एक और एक से ज़्यादा शब्द मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम वाक्य कहते हैं, और एक से ज़्यादा सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है वोवल्स एंड कॉन्सनेंट्स। वोवल्स और कॉन्सनेंट्स के बारे में हम सबने सुना ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 21 लेटर्स होते हैं जिनमें से 5 वोवल्स होते हैं। वोवल्स यानी कि स्वर, जो होते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो 21 लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सनेंट्स जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर्स, उनमें से निकलने वाले साउंड्स और उनके एग्जांपल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। अब आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें लेफ्ट साइड पर हैं हमारे लेटर्स, सेंटर में हैं उनसे निकलने वाले साउंड्स और राइट साइड पर हैं उनके एग्जांपल्स। तो अब हम एक एक करके इन लेटर्स को बोलेंगे, उनमें से निकलने वाले साउंड्स यानी कि ध्वनि का उच्चारण करेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेटर है ए। ए लेटर से जो ध्वनि निकलती है वो होती है अ, आ, ए, 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 ओ। अब राइट साइड पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है अलर्ट। आपने ध्वनि देखी होगी, पहली ध्वनि जो लिखी हुई है वो है अ, अ अलर्ट, आ आर्ट, ए नेम,
ए एंग्री, ए रेयर, ओ ऑसम। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा बी। बी से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो होती है ब, और उसके एग्जांपल्स हैं बॉल, बिल। नेक्स्ट लेटर सी। सी से जो ध्वनि निकलती है वो होती है स और क। एग्जांपल्स सेल, सेल में स की ध्वनि है, कैट, कैट में क की ध्वनि है। नेक्स्ट लेटर डी। डी में से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ड और द। राइट साइड पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है डियर, जिसमें ड की ध्वनि है, और सेकंड एग्जांपल है देहरादून, जिसमें द की ध्वनि है। नेक्स्ट लेटर है ई। ई में से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ई, ई बड़ी की मात्रा, ए। एग्जांपल देखते हैं इंग्लिश ई, ही बड़ी की मात्रा, ई ही। एंट्री ए। नेक्स्ट लेटर है एफ। ध्वनि जो निकलती है वो होती है फ। एग्जांपल फिल फ, फिल। फोल्ड फ, फोल्ड। नेक्स्ट लेटर है जी। ध्वनि ग, ज। एग्जांपल्स हैं गीव, ग, गीव। मैजिक, मैजिक, ज। नेक्स्ट लेटर है एच। एच में से ध्वनि जो निकलती है वो होती है ह। एग्जांपल देखते हैं होटल, ह, होटल। ओ, ह, ओ। नेक्स्ट लेटर है आई। आई में से जो ध्वनि निकलती है वो होती है आई, ई, आए, अ। एग्जांपल्स देखते हैं हाइड, आई, हाइड। इट, ई, इट। हाय, आए। थर्ड, अ। तो ये सारी जो ध्वनि होती है वो आई से निकलती है। नेक्स्ट लेटर है जे। जिसे जो ध्वनि निकलती है वो होती है ज, जॉइन, ज, जीप, ज। नेक्स्ट लेटर है के। ध्वनि निकलती है क की, फॉर एग्जांपल काइट, के, क, काइट। मेक, क। अब है लेटर एल। एल में से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ल, फॉर एग्जांपल लव, ल। बल्ब, ल। नेक्स्ट लेटर है एम। ध्वनि निकलती है म की, फॉर एग्जांपल मदर, म, एम, म। नेक्स्ट लेटर है हमारा एन। एन से जो ध्वनि निकलती है वो होती है न, फॉर एग्जांपल नो, न, नंबर, न। अब है ओ। ओ से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ओ, अ, अ, फॉर एग्जांपल ओनली, ओ, स्टॉप, ओ, अकर, अ। नेक्स्ट लेटर है पी। पी से जो ध्वनि निकलती है वो होती है प, फॉर एग्जांपल पेन, प, पेन। पॉट, प, पॉट। नेक्स्ट लेटर है क्यू। क्यू से जो ध्वनि निकलती है वो होती है क, क की ध्वनि निकलती है, फॉर एग्जांपल क्वीन, क, क्वीन। इक्वल, क, इक्वल। नेक्स्ट लेटर है हमारा आर। आर से जो ध्वनि निकलती है वो होती है र, फॉर एग्जांपल रैट, र, रैट। मर्ज, मर्ज, र, मर्ज। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा एस। एस से जो ध्वनि निकलती है वो होती है स, श और आधा स, फॉर एग्जांपल सिट, स। शुगर, श। स्कूल, स्कूल में आधा स, स्कूल। कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल को सकूल बोलते हैं या स्कूल बोलते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है सकूल, स्कूल, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको हमें बोलना चाहिए स्कूल, आधा स, स्कूल। नेक्स्ट लेटर है हमारा टी। टी से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ट और त की, फॉर एग्जांपल टॉल, ट, टॉल। मंत्रा,
मंत्र। अब आगे है यू। यू से जो ध्वनि निकलती है वो होती है य, उ, अ। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी य यूनिवर्सिटी, पूल उ पूल, अर्जेंट अ अर्जेंट। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा वी। वी से जो ध्वनि निकलती है वो होती है व की। फॉर एग्जाम्पल वेरीफाई व वेरीफाई, वेंचर व वेंचर। नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू। डब्ल्यू में से जो ध्वनि निकलती है वो भी होती है व की। फॉर एग्जाम्पल वॉल व वॉल, व्हाट व व्हाट। अब जैसा कि हमने देखा वी और डब्ल्यू का साउंड, दोनों के जो साउंड निकलते हैं वो होता है व, लेकिन इन दोनों के साउंड में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम वी बोलते हैं तो हमारे ऊपर के जो दांत होते हैं वो हमारे नीचे के होंठ के अंदर के पार्ट को हल्का सा टच करता है। ट्राई कीजिएगा वी, वेरीफाई वी। हमारे ऊपर के दांत नीचे के होंठ के अंदर के पार्ट को हल्का सा टच करता है, और जब हम डब्ल्यू का साउंड करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, व्हाट व्हाट। तो ये वी, वी जब हम बोलते हैं तब हमारे ऊपर के दांत नीचे के होंठ के अंदर के पार्ट को हल्का सा टच करता है, और जब हम डब्ल्यू बोलते हैं तो हमारा मुंह गोल हो जाता है, हमारा माउथ गोल हो जाता है, व्हाट। जब हम डब्ल्यू बोलते हैं तो हमारा मुंह गोल हो जाता है, व्हाट। तो ये होता है हमारे वी और डब्ल्यू के साउंड का डिफरेंस। नेक्स्ट लेटर है एक्स। एक्स से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ए, ज, क्स, क आधा स। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे ए एक्सरे, ज ज़ीरोक्स, टैक्स क आधा स टैक्स। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है वाई। वाई में से जो ध्वनि निकलती है वो होती है य की, ई की और बड़ी ई की। फॉर एग्जाम्पल यल य यल, मिस्टिक ई मिस्टिक। अब बड़ी ई का साउंड देखेंगे एवरी एवरी, बड़ी ई का साउंड। अब हमारा लास्ट अल्फाबेट है जेड। जेड में से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ज की। फॉर एग्जाम्पल जू ज जू, जिप ज जिप। तो ये थे हमारे लेटर्स, उनमें से निकलने वाले साउंड्स और उनके एग्जाम्पल्स। अब आपको एक छोटा सा टास्क करना है, इन लेटर्स साउंड्स और एग्जाम्पल्स को फिर से एक बार अच्छी तरीके से सुनना है, और पर लेटर जो साउंड्स निकलते हैं उनके पांच पांच एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।